खुशनुमा मौसम और शाम का वक्त है और आज हूँ मैं तलोजा एरिया में। मैं फ़िलहाल हूँ तलोजा फेस टू में और आज हमें जाना है तलोजा मार्केट में, देखना है कि तलोजा मार्केट कैसा है और क्या क्या चीज़ें हैं और कौन कौन सी दुकानें हैं वहाँ पे, उसका मैं आपको व्यू बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर से एक नए ब्लॉग के साथ मैं हूँ हिदायत काजी। ये फेस टू का एरिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेडिकल्स है और सामने स्वीट है और यहाँ पे न्यू कंस्ट्रक्शन चालू है और छोटे स्टॉल यहाँ पे और यहाँ पे देखिए मदीना रेस्टोरेंट। दिल से दुआ है मेरी नसीब को। और यहाँ पे देखिए सात स्वीट, सामने मेडिकल, बड़ा मेडिकल है और सामने देखिए कंस्ट्रक्शन भी चालू है। ये मेट्रो स्टेशन है फेस टू का। फेस टू में ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और आप देखोगे तो यहाँ पे हार्डली थोड़े से ही दुकान है, कुछ मेडिकल्स है और रेस्टोरेंट है। तो अभी हम जा रहे हैं फेस वन में, वहाँ का भी मैं आपको व्यू बताता हूँ कि वहाँ पे क्या क्या है। खुल जाए अभी काबा का हो दीदार, अभी मेरे अल्लाह सुन ले मेरी। जो तलोजा का मैं ब्लॉग बनाया था उसमें कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि तलोजा में न्यू कंस्ट्रक्शन नहीं चालू है। अभी जब मैं ब्लॉग बना रहा हूँ तो अभी मैं फ़िलहाल फेस टू से फेस वन में जा रहा हूँ, तो मुझे सामने ही बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन दिखा है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ये देखिए सामने फेस टू का मेट्रो स्टेशन है और सामने देखिए तीन बिल्डिंग बन रहे हैं। फिर से यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी साइड में भी एक बिल्डिंग बन रही है और यहाँ पे जब ब्रिज स्टार्ट होता है यहाँ पे भी एक न्यू कंस्ट्रक्शन चालू है। अगर आप ऐसे फाइंड आउट करोगे तो बहुत सारे कंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे। तो फिलहाल हम मार्केट की तरफ चलते हैं, तलोजा फेस वन की तरफ जाएंगे हम अभी। ये मेट्रो का ब्रिज है, ये है वो ब्रिज जो फेस वन फेस टू को कनेक्ट करता है और ये सामने देखिए बिल्डिंग है और सामने है नदी। ऊपर मेट्रो का ट्रायल भी चल रहा है, देखिए आप ऊपर से मेट्रो जाती हुई। अब ये मेट्रो कब चालू होगी ये भी मैं आपको आने वाले ब्लॉग में बताऊंगा। अभी यहाँ पे जो सामने बोर्ड भी लगे हैं आप देख सकते हैं क्या प्राइस है। अभी यहाँ पे ब्रिज ख़त्म होता है और यहाँ से मार्केट स्टार्ट होता है तलोजा फेस वन का। अभी हम जाके देखते हैं, आज 14 अगस्त है और कल 15 अगस्त है, तो यहाँ पे हर जगह पर आपको हमारे इंडिया का तिरंगा दिखेगा क्योंकि 75 ईयर्स हो गए हैं इंडिया को आज़ाद हुए। हम आज़ादी के 75 साल को सेलिब्रेशन करेंगे कल इंशाअल्लाह ताला। अभी यहाँ से मार्केट चालू हो गया है, यहाँ पे बैंक्स वगैरह भी है। एक्चुअली तलोजा फेस वन है वो 90% डेवलप हो चुका है। दिल से दुआ है मेरी अपना करम कर दे अभी। फेस टू के मुकाबले आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत भरा हुआ माहौल दिखेगा आपको क्योंकि मोस्टली शॉप्स ओपन हुए हैं और मार्केट खुला हुआ है। बीकानेर स्वीट बहुत फेमस स्वीट है। ये पूरा भाजी मार्केट है। दिल से दुआ है मेरी नसीब खुल जाए अभी काबा का हो दीदार अभी मेरे अल्लाह। पूरा मार्केट का मैं आपको व्यू बता देता हूँ। दिल से दुआ है मेरी
फुल मार्केट, एटीएम वगैरह बहुत कुछ है यहाँ पे। एज पर कंपैरिजन अगर आप देखोगे फेस वन और फेस टू, तो फेस वन मोस्टली डेवलप हो चुका है। अभी हम आगे जाते हैं और वहाँ पे फिश मार्केट और भी बहुत कुछ है वहाँ पे, उसका भी मैं आपको ब्लॉग बता देता हूँ। अभी फिश मार्केट में हम एंटर हो चुके हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारी फिशेस हैं। मटन शॉप, चिकन शॉप, ये पूरा उसी का मार्केट है। ये जो मार्केट है आप देख सकते हैं फेस वन का जो सबवे है इसके जस्ट ऑपोजिट में ही है। इसमें आपको हर एक चीज़ मिलेगी। अभी आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि फेस वन कितना डेवलप है और फेस टू कितना डेवलप है, इस बात से आप देख सकते हो। लेकिन जो फेस टू का वैल्यू है वो फेस वन से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो फेस टू है वो प्रॉपरली और डेवलप किया गया है। और अभी हम आगे जाके भी देखते हैं कि और कौन से सुपर मार्केट है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट करके बताइए ये ब्लॉग कैसा लगा आपको। सामने वाली जो बिल्डिंग है वो गामी है और उसके नीचे सुपरमार्केट भी है। कौन कौन से सुपरमार्केट है वो मैं आपको बता देता हूँ, तो जल्दी से हम वहाँ पे चलते हैं। अगर आप ब्रिज की तरफ से आओगे तो ये जो रास्ता है वो सीधा आता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलायंस का सुपरमार्केट है, और यहाँ पे टॉप टेन है, मनीषा मार्ट और बहुत सारे और भी दुकानें हैं। यहाँ पे एटीएम भी है, और यहाँ पे है लमीज बेकरी, बहुत फेमस है तलोजा फेस वन में। ये है गामी टावर। गामी के आगे जाते हो तो बहुत फेमस रेस्टोरेंट आपको मिलेगा जिसका नाम है आयशा होटल, और सामने आपको इलेक्ट्रिसिटी का ऑफिस मिलेगा। यहीं पर हमारा ये ब्लॉग ख़त्म होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और भी नए वीडियोस आएंगे इस ब्लॉग पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।